और गाइस क्या हाल है गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं चंद्रयान 2, जो कि चंद्रयान 1 के बाद इसरो का दूसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। आसान भाषा में बताऊं तो चांद को और ज़्यादा एक्सप्लोर करके उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, बेसिकली यही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। गाइस अब क्वेश्चन ये है कि जब इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन को बहुत ही सक्सेसफुली कम्प्लीट किया था, काफ़ी अच्छे नतीजे थे उसके, तो फिर अब इस चंद्रयान 2 मिशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। गाइस ऐसा इसलिए था क्योंकि जो चंद्रयान 1 मिशन जो इसरो ने कंप्लीट किया था उसमें जो भी उन्होंने सैटेलाइट भेजी थी, जो भी चंद्रयान 1 है, उसने सिर्फ मून के आसपास रिवॉल्यूशंस ली थी, सिर्फ उन्होंने मून के चक्कर लगाए थे और जो भी मतलब उन्हें मिल पाया वो सिर्फ इमेजेस थी और थोड़ा बहुत रेडार की मदद से जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली वो काफ़ी तो थी, बट अब और डीप एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत थी इसलिए तो चंद्रयान 2 की ज़रूरत पड़ी है। और गाइस चंद्रयान 2 की खास बात यह है कि वो चांद पर लैंड भी करेगा। गाइस ये चंद्रयान 1 से 100 टाइम्स डिफिकल्ट तो है लेकिन उतना ही रिवॉर्डिंग और यूजफुल भी होगा। मज़े की बात तो यह है कि चंद्रयान 2 को मून तक ले जाने में हमारी मदद करेगा बाहुबली, नहीं ये नहीं गाइस, जो रॉकेट जिसमें हम चंद्रयान 2 के तीनों मॉड्यूल्स को रखेंगे और चांद तक लेके जाएंगे, उस रॉकेट का नाम बाहुबली ऐसा रखा गया है। एंड एज द नेम डिफाइंस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि चंद्रयान 1 में जो इन्होंने रॉकेट यूज़ करा था गाइस PSLV, उससे ये 4 टाइम ज़्यादा पावरफुल है, उससे 4 टाइम ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है। गाइस ये बेसिकली एक जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसे कि GSLV मार्क 3 कहते हैं, और इसमें जो गाइस इंजन यूज़ हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इस इंजन की जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप करने में गाइस इंडिया को करीब 20 साल लग गए हैं। बस मैंने इसमें थोड़ी बहुत रिसर्च की और मुझे पता चला कि कई साल पहले आ जाना था ये मिशन, तो मतलब 2007 में गाइस इंडिया ने और रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन करा था और जो वहाँ का स्पेस स्टेशन है RFSA और इंडिया का इसरो, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था कि हम लोग इस चंद्रयान 2 पे मिलकर काम करेंगे। मतलब इसमें जो तीन मॉड्यूल हैं, जो कि एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक रोवर है, तो इसमें से गाइस जो ऑर्बिटर और लैंडर है वो तो काम था इसरो का कि उसे इंडिया डेवलप करेगा, इसरो डेवलप करेगा, और उसके बाद जो रोवर था जो कि चांद पर चलने वाला था उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है उसे रशिया हमें इंडिया को डेवलप करवा के देगा। लेकिन गाइस मुझे पता नहीं कि रशिया का मन नहीं था या फिर USA के प्रेशर में उन्होंने 7-8 साल लगा दिए गाइस उस रोवर को डेवलप करने में, फिर भी उन्होंने 2015 में आके 8 साल बाद इंडिया को बोल दिया कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो गाइस ऐसे करके इंडिया और रशिया का जो एग्रीमेंट है वो ब्रेक हो गया और फिर इंडिया ने रशिया को बोला अरे तू रहने दे भाई, मैं कर लूँगा तू जा, अरे मैं कर लूंगा तू जाना। गाइस ये सब तो हो गया चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, अब बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में। गाइस सबसे मेन कंपोनेंट जो यहाँ पर है वो है इसका रॉकेट जिसकी हमने बात करी थी अभी, GSLV मार्क 3, जो कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। मतलब बेसिकली इसका काम ये है कि जो हमारा चंद्रयान 2 है उसे मून तक पहुँचाना। अगर हमने मतलब चंद्रयान 2 यहाँ पर बना भी लिया और उसको चांद तक पहुँचाने का कोई ज़रिया नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या आएगा इसका, तो यहीं पे इसरो ने काम में लिया है गाइस GSLV मार्क 3 को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है। तो इस रॉकेट के गाइस पेलोड कैपेसिटी है करीब 4 टन के आसपास। गाइस पेलोड क्या होता है, पेलोड वो होता है कि जितना वेट वो रॉकेट कैरी कर सकता है, मतलब जितना वेट वो लेके अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर जाके मून तक ले जा सकता है वो उसका पेलोड है। तो 4 टन का यहाँ पे पेलोड है और उस पेलोड में गाइस जो भी 3 मॉड्यूल्स हैं चंद्रयान 2 के, उन सब का वेट मिला के वो उतना हो जाता है 4 टन के आसपास। गाइस इस रॉकेट का वेट है 640 टन्स, जो कि गाइस 5 Boeing 747 जितना भारी है। लगा लो गाइस Boeing 747 कितने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है, तो उनके जैसे मतलब 5 मिला के ये एक रॉकेट का वेट बनेगा। गाइस इसकी हाइट करीब इतनी है जितनी कि एक 13 फ्लोर वाली बिल्डिंग की होती है, तो लगा लो गाइस 13 मंजिल कितना होता है और ये रॉकेट कितना ऊंचा होगा। फिर इस रॉकेट का इंजन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो बेसिकली इसमें जो गाइस फ्यूल यूज़ होता है वो लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक मिक्सचर है। मतलब पहले से ही मिक्स नहीं करके रखते, उन्हें अलग अलग चेंबर्स में रखते हैं, फिर जैसे नीड होती है उस हिसाब से इन्हें मिलाकर इग्नाइट किया जाता है। अब इग्नाइट करने के बाद जो इनमें कंबशन होता है उस कंबशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी की मदद से हमारा जो रॉकेट है वो इतनी पावर गेन कर पाता है कि 4 टन वेट को और अपना खुद का सेल्फ वेट भी अब मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर लेके सीधा मून तक जाना, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए गाइस। गाइस अब इस रॉकेट के भी ना 3 कंपोनेंट्स है, इसलिए गाइस इसे एक स्टेज 3 रॉकेट कहा जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले गाइस इसमें 2 सॉलिड बूस्टर्स लगे हुए हैं S-200। तो गाइस इन बूस्टर का काम बेसिकली ये है कि इसमें लिक्विड फ्यूल नहीं यूज़ होता है, इसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है। तो इस सॉलिड फ्यूल को जब इग्नाइट करते हैं तो इनिशियल थ्रस्ट मिलता है हमारे रॉकेट को, और इनिशियल थ्रस्ट के चलते गाइस ये रॉकेट लॉन्च कर पाता है, बेसिकली टेक ऑफ कर पाता है। टेक ऑफ करने के बाद एट अ पर्टिकुलर हाइट गाइस ये हटा दिए जाते हैं अलग से, ताकि एक्स्ट्रा लोड ना कैरी करना पड़े हमारे रॉकेट को।
और फिर बेसिकली गाइस अब ये दोनों बूस्टर्स में से ना बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलनी चाहिए ताकि हम अपने डेसिग्नेटेड पॉइंट तक इस रॉकेट को पहुंचा पाए गाइस। इसलिए बिल्कुल बैलेंस थ्रस्ट होना चाहिए। मतलब एक साइंटिस्ट का मैंने इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बोला था कि ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था कि इन दोनों ही बूस्टर्स में से एक मतलब बैलेंस थ्रस्ट निकालें। तो ये भी इसरो के साइंटिस्ट ने अचीव किया, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। गाइस अब सेकंड स्टेज की बात करें तो वो लिक्विड स्टेज है गाइस L110। तो यहाँ पर गाइस मैं बता रहा था अभी जो लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है तो उस लिक्विड फ्यूल को इग्नाइट करके एनर्जी रिलीज होती है। फिर जो जब हम बूस्टर्स अलग कर देते हैं उसके बाद इस फ्यूल को मतलब सेकंड स्टेज वाले लिक्विड वाले इंजन को वहाँ पे ऑन किया जाता है और यहाँ पर जो लिक्विड फ्यूल के इग्निशन से एनर्जी होती है इसके थ्रू मतलब इससे पावर लेके फिर रॉकेट फर्दर आगे जाता है। फिर गाइस जो थर्ड स्टेज है वो क्रायोजेनिक स्टेज है। यही जो क्रायोजेनिक स्टेज है गाइस यहाँ पर जो छोटा सा ये ग्रे कलर का आपको दिख रहा होगा गाइस इसी को डेवलप करने में यहाँ पे करीब 20 साल लग गए हैं। गाइस ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है गाइस ये पेलोड है, इसी के अंदर हमारा चंद्रयान 2 रहेगा। गाइस ये तो हो गए इसके कंपोनेंट्स। अब बात करेंगे कि इस मिशन में होगा क्या, मतलब ये रॉकेट कहाँ से लॉन्च हो जाएगा, फिर स्पेस में जाके क्या होगा। अब यही बात करते हैं हम क्या होगा स्पेस में जाके। सबसे पहले तो गाइस ये होगा क्या, यहाँ पर जो सॉलिड बूस्टर्स है इनको इग्नाइट करेंगे। सबसे पहले ये इग्नाइट होंगे तो गाइस मैंने बताया था सॉलिड फ्यूल जब इग्नाइट होगा तो कंबशन के मतलब कंबशन होगा और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो बूस्टर्स में एनर्जी रिलीज होगी और इसके वजह से रॉकेट को एक लॉन्च मिलेगा। वो लॉन्च में मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस करने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट पे जो भी इसरो ने मतलब सेट करी होगी वहाँ पे जाके गाइस ये जो दो बूस्टर्स हैं जो कि ये दो बूस्टर्स थे इनको मतलब डिटैच कर दिया जाएगा। अभी जब डिटैच हो जाएंगे गाइस, अब डिटैच होने के बाद क्या होगा, अब इनके पास बूस्टर तो हट गए, अब एनर्जी कहाँ से आएगी रॉकेट को आगे जाने के लिए। अब यहाँ पर गाइस जो लिक्विड स्टेज का मैंने इंजन बताया था अब इसको फिर से इग्नाइट किया जाएगा और जो इसमें लिक्विड फ्यूल है उसके थ्रू इन्हें इसे एनर्जी मिलेगी और अब इस एनर्जी के थ्रू ये थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो लिक्विड स्टेज का इंजन है गाइस इसे भी सेपरेट कर दिया जाएगा। अब बचा गाइस सिर्फ आप एक क्रायोजेनिक वाला इंजन और हमारा जो पेलोड है। फिर क्या होगा गाइस, ये जो थर्ड क्रायोजेनिक इंजन है गाइस इसको इग्नाइट करेंगे। अब इसके थ्रू एनर्जी मिलेगी हमारे जो भी है हमारा पेलोड है तो उसको ले जाने की एनर्जी मिलेगी गाइस। अब इसके बाद भी थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद गाइस ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ये भी अलग हो जाएगा और हमारा जो पेलोड है ये इस पेलोड में से जो हमारा चंद्रयान 2 है वो बाहर निकलेगा और वो निकलने के बाद इस इंजन से डिटैच होके अब वो जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर के बिल्कुल बाहर। और यहाँ पर गाइस अब वो क्या करेगा कि अर्थ के 5 चक्कर मारेगा। एक चक्कर में वो मून तक नहीं पहुँच सकता है क्योंकि उतनी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स नहीं डेवलप हो पाएगी सिर्फ एक चक्कर में जो मून तक पहुँच जाए। मून बहुत ज़्यादा दूर है गाइस अर्थ से, तो वो अर्थ के 5 मतलब चक्कर मारेगा, घूमता रहेगा। इससे क्या होगा गाइस कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा और उसकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे स्पीड बढ़ेगी गाइस तो फिर वो एक मतलब लास्ट चक्कर में बहुत ज़्यादा स्पीड से सीधा चांद की तरफ को जाएगा। 5वें चक्कर में गाइस इतनी स्पीड अचीव कर लेगा कि अब वो मून तक सीधा एक स्ट्रेट लाइन में पहुँच जाए। और फिर क्या होगा, जब ये मून के पास गाइस पहुँचेगा तो फिर अब अपनी एनर्जी और स्पीड को कम करके गाइस मून के ऑर्बिट में जब एंटर करेगा। अब मून के ऑर्बिट में एक बार ये एंटर कर गया तो उसके बाद फिर अब मून के ये कुछ दिन तक चक्कर लगाता रहेगा। अब वहाँ पर चक्कर लगाने के बाद क्या होगा गाइस, अब यहाँ पर भी चक्कर इसलिए लगा रहा है क्योंकि अब उसे स्पीड कम करनी है। अब वो स्पीड कम करके बिल्कुल और पास आता जाएगा मून के, जितना पास आता जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा गाइस, जो हमारा ऑर्बिटर है अब ऑर्बिटर अलग हो जाएगा। ऑर्बिटर में से गाइस अब विक्रम निकलेगा, विक्रम वो वाला नहीं, विक्रम जो निकलेगा वो हमारा लैंडर है। ये लैंडर बेसिकली मून पर लैंड करने वाला है कुछ देर में। तो ये ऑर्बिटर अलग हो गया। अब ऑर्बिटर क्या है कि मून के बिल्कुल पास वाले सरफेस पे ना अभी हवर करता रहेगा और मून के चक्कर भी लगाता रहेगा। तो गाइस ऑर्बिटर तो यहाँ पर चक्कर लगाएगा और ये जो विक्रम हमारा लैंडर है जिसको नाम विक्रम दिया है लैंडर को, ये जाएगा गाइस बहुत धीरे धीरे ये भी अब कुछ टाइम चक्कर लगाएगा मून के और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करके बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग इसे यहाँ पर मून पे करनी होगी। और ये सबसे टिपिकल पार्ट है इस चंद्रयान 2 मिशन का, ऐसा वहाँ के इसरो के साइंटिस्ट ने कहा है। क्योंकि गाइस अब वहाँ पर उसे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं मिली तो ये गिर के टूट गया तो फिर करोड़ों का तो नुकसान हो जाएगा और ये मिशन भी नहीं हो पाएगा। लेकिन गाइस इसरो के हमारे जो रॉकेट साइंटिस्ट हैं उन पर पूरा भरोसा है, आसानी से इस टारगेट को ये लोग अचीव कर लेंगे और इजीली ये मिशन सक्सेसफुल भी हो जाएगा। तो क्या होगा गाइस, जब ये विक्रम हमारा लैंडर है अब ये लैंड कर गया मून पे, बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ही हल्की स्पीड पे करनी होगा, इसे करीब 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से
इतनी कम स्पीड पे यहाँ पर मून पे लैंडिंग करनी होगी। गाइस अभी जो लैंडर विक्रम है ये मून के ऊपर लैंड करेगा, मतलब साउथ पोल में, जो लूनर साउथ पोल है गाइस, मून का जो साउथ पोल है वहाँ पर, मतलब इसरो के साइंटिस्ट ने वो जगह पहले से ढूंढी हुई है, मतलब वहाँ पे तय करा है। गाइस वहाँ पे दो क्रेटर्स हैं, उन दो क्रेटर्स के बीच में कहीं पर उसको लैंड करवाएंगे। गाइस ये क्रेटर के नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, तो दोनों क्रेटर्स का नाम एक है मैंजिनस सी और दूसरा है सिंपेलियस एन। तो गाइस ये क्रेटर क्या होता है, बेसिकली जो चांद पे गड्ढे हमें दूर से दिखाई देते हैं ना गाइस, मतलब कहते हैं कि चांद पे भी दाग है, जो ये मतलब शायरिया वगैरह बनाते हैं, तो ये गड्ढे होते हैं ना गाइस, ये मतलब मीटियोर्स कभी टकराए होते हैं चांद से, या फिर वहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हुआ होता है तो उससे गाइस जो ये गड्ढे से बन जाते हैं इन्हें क्रेटर बोलते हैं। तो ये साउथ पोल में क्रेटर्स के बीच में इसको लैंड करवाएंगे। अब लैंड करवाने के बाद क्या होगा गाइस, ये जो लैंडर है हमारा विक्रम, ये डिप्लॉय करेगा रोवर को। इस रोवर का नाम गाइस प्रज्ञान है। गाइस ये रोवर बहुत धीरे धीरे से चांद के सरफेस पे चलेगा और वहीं पे ऑन द स्पॉट ये केमिकल एनालिसिस करेगा, और जो भी नॉलेज ये इकट्ठी कर पाता है वहाँ के सरफेस के बारे में गाइस, उसे ये सीधा मतलब हमारे जो लैंडर और ऑर्बिटर है इनके थ्रू, मतलब डेटा ट्रांसफर के जरिए इसरो तक पहुंचाएगा। गाइस चंद्रयान 2 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि गाइस मून पे वाटर की प्रेजेंस का पता लगाना, कि वहाँ पर पानी प्रेजेंट है, अगर है तो फिर कितना है। और गाइस सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तो कई हैं गाइस, जैसे कि लूनर टोपोग्राफी हो गई, मतलब चांद की टोपोग्राफी वगैरह पढ़ना, मतलब कैसा वहाँ का मैप है, क्या कुछ वहाँ के फीचर्स हैं, मतलब कैसा है पहाड़ वगैरह, मतलब क्या अर्थ में कुछ ऐसा सिमिलैरिटी है अर्थ में और मून में। और गाइस दूसरा एक मिनरोलॉजी हो गई, कि वहाँ के सरफेस में मतलब क्या मिनरल्स है, कौन कौन से मिनरल है, सोडियम पोटेशियम वगैरह जो जो मतलब अर्थ पे मिलते हैं क्या वो है वहाँ पर बेसिकली। और गाइस फिर तीसरा हो गया गाइस एलिमेंटल अबंडेंस, मतलब ये है कि गाइस कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वहाँ पर और कितने मतलब कितनी क्वान्टिटी में है। जैसे यहाँ पर गाइस आयरन मिल जाता है थोड़ा बहुत अंदर अर्थ के अंदर, जैसे आयरन वगैरह वहाँ पर है या फिर जो भी है मेटल वगैरह कुछ ढूंढेंगे वहाँ पे। गाइस और भी कई चीज़ें गाइस, जैसे लूनर एग्जोस्फेयर हो गया, मतलब यही है उसमें पता लगाना है कि मतलब जो वहाँ का एग्जोस्फेयर है मून का, क्या वो मतलब अर्थ जैसा है कुछ, जो भी रिलेट कर पाएंगे वो इसरो वाले वो तो वही जाने। लेकिन और भी चीज़ें जैसे गाइस हाइड्रोक्सिल आयंस की प्रेजेंस है वहाँ पर, या फिर वाटर आइस वगैरह। हाइड्रोक्सिल आयंस अभी आपको पता होगा शायद गाइस OH- जो आयंस होते हैं, तो वो वहाँ पर प्रेजेंट हैं या नहीं है, वाटर आइस वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो मतलब यही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज इसरो को वहाँ से मिल जाएगी अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है। तो गाइज़ यही था चंद्रयान 2 और उसके मिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। गाइज़ मतलब अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया ना, तो इंडिया 4th नंबर की कंट्री बन जाएगी जो कि मून पे मतलब लैंड कर पाए, रशिया, चाइना और USA के बाद। और यही था चंद्रयान, मतलब ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा ना तो गाइज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइज़, सपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर ज़रूर कर देना गाइज़, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज अगर ये पहुँचाना चाहते हो तो ज़रूर से शेयर कर देना गाइज़। टिकटॉक की वीडियो तो मतलब शेयर करते ही होंगे, नॉलेजेबल चीज़ें भी थोड़ा शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बस फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।